चलो आगे देखो आप, तो v नॉट बराबर मैं लिख सकता हूं i नॉट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस सर। इसको क्या बोलते हैं एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को? रेजिस्टेंस। हाँ, इसको डिनोट करते हैं जेड से। हाँ जेड एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को उसको बोलते हैं जेड। जेड जेड को क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट भी ओम ही होती है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, v नॉट इक्वल टू मैं लिखूंगा i नॉट z। अगर मैं इसको रूट टू से डिवाइड कर दूं, v नॉट बाय रूट टू i नॉट बाय रूट टू इन टू z, तो ये क्या बन जाएगा आपका? v आर एम एस आई आर एम एस इन टू z। मतलब अगर मुझे v आर एम एस निकालना है तो i आर एम एस को z से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आपको v आर एम एस मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं किसी भी इंस्टेंट पे मुझे v निकालना है, तो क्या मैं उस समय करंट जो फ्लो कर रही है सर्किट में, i इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा t, अगर मैं इसको z से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या क्या मेरा v निकल जाएगा उस समय? यस सर। हाँ नागेंद्र, किसी भी इंस्टेंट पर अगर मुझे वोल्टेज निकालना है कि सप्लाई वोल्टेज मेरा कितना है, तो मैं करंट लू और करंट को मल्टीप्लाई कर दू जेड से, क्या वी निकल जाएगा? हाँ। यस सर। नहीं निकलेगा एट पर्टिकुलर टाइम, नहीं निकलेगा क्योंकि इनके फेज में डिफरेंस। क्यों नहीं निकलेगा? फेज में डिफरेंस है। इनके फेज में डिफरेंस है, इनके फेज में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मान लो ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है, अगर ओमेगा टी जीरो है, क्या वोल्टेज भी जीरो है उस समय? यहाँ पे तो करंट तो जीरो आएगी, लेकिन वोल्टेज कितना आएगा? वी नॉट साइन अल्फा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ओमेगा टी इक्वल टू जीरो रखूंगा, तो करंट तो जीरो है उस इंस्टेंट पर, लेकिन क्या वोल्टेज भी जीरो है? वोल्टेज तो जीरो नहीं है अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन। वोल्टेज तो कितना होगा? वी नॉट साइन अल्फा होगा। तो अगर करंट जीरो है, तो उस समय वोल्टेज थोड़ी जीरो हो रहा है, तो आप ये नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। आप v निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, i नॉट ओमेगा l, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, जो भी ओमेगा t की, इस तरह से v निकलेगा। चलो प्योरली हमने इसका फेजर बनाई दिया, क्या फेजर बनाई दिया इसका। अब आता है इसके बाद प्योर एल आर सर्किट के बाद नेक्स्ट सर्किट हो गया आपका आरसी सर्किट। ठीक है, वैसे आरसी सर्किट आपका कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी आता है, लेकिन वहां पर हम लोग डीसी करंट के लिए करते हैं। आरसी सर्किट, जैसे नाम से पता चल रहा है आरसी सर्किट, तो इसमें क्या होगा? एक कैपेसिटर होगा और एक रेजिस्टेंस होगा। इसको एसी सोर्स से जोड़ दिया हमने, ये सी है, ये आर है। इस इंस्टेंट पे मान लो किसी भी इंस्टेंट पे करंट फ्लो कर रही है, एसी करंट फ्लो कर रही है, तो आई लिखूंगा मैं क्या? आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी वोल्टेज के अक्रॉस, सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वी सी। इसके अक्रॉस क्या आएगा? वी आर आएगा। और मुझे पता है कि कैपेसिटर और करंट के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होता है? पाई बाय टू का फेज डिफरेंस होता है। और कौन आगे होता है? सर वोल्टेज आगे, वोल्टेज करंट आगे होगा, करंट आगे होता है, वीसी आगे होगा करंट से। वीसी की इक्वेशन क्या? सर्किट में करंट फ्लो करिए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, और वोल्टेज कितना होगा? वीसी इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट अंडर एक्सी या वन बाय ओमेगा सी। और साइन कौन आगे होता है? करंट आगे होता है, तो करंट वोल्टेज को पीछे करना है मुझे, तो पीछे करना है, तो ओमेगा टी में से क्या पाई बाय टू माइनस करूंगा। बात समझ में आई? Yes, हाँ। तो ये आपका वीसी हो जाएगा। वीआर निकालना हो तो वीआर क्या हो जाएगा?
वो करंट रेजिस्टेंस में तो सेम होता है, रेजिस्टेंस तो सेम फेज में होता है, I नॉट R साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेट वी निकालोगे आप वो वी आर प्लस वी सी होगा, लेकिन वी आर और वी सी को हम लोग ऐसा ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फेजर से ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन। हाँ, वेक्टर की तरह को ट्रीट करेंगे। तो आई नॉट आर को मैं इस तरफ लूंगा, तो आई नॉट एक्स किधर आएगा, पाई बाई टू पीछे आएगा, नीचे की तरफ, किस तरफ आएगा, आई नॉट एक्स सी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपका वी नॉट होगा, वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट अंडर रूट एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। दिख रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। तो क्या इक्वेशन बनेगी, अगेन एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या बोल देंगे, इम्पीडेंस बोल देंगे। हाँ। वी नॉट इसको भी इम्पीडेंस ही बोलते हैं, ठीक है, जेड। यस सर। कितने एंगल पर, ये एंगल अल्फा या फिर अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, बताओ क्या हो गया, अल्फा टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर हो जाएगा एक्स सी बाय आर, ठीक है, आई नॉट आर, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, एक्स सी बाय आर, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स सी बाय आर हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी फाइनली वोल्टेज के लिए, इसको रब कर दूं ना, करंट की इक्वेशन बनी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या बनेगी, वोल्टेज की इक्वेशन बनेगी वी बराबर वी नॉट, वी नॉट की जगह लिखेंगे आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी से ये पीछे है अल्फा एंगल, तो माइनस अल्फा लिखूंगा मैं, आप चाहो तो जेड की वैल्यू पुट कर सकते हो, आई नॉट z है हमारा अंडर रूट xc का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस अल्फा की जगह पुट कर सकते tan इनवर्स xc बाय r। ठीक है, तो फाइनली आपकी ये इक्वेशन बनेगी वोल्टेज के लिए। आई बात समझ में? तो RC सर्किट में कौन लीड करता है, करंट लीड करता है वोल्टेज से, ठीक है, कितने एंगल से, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स सी बाय आर करके, एक्स सी बाय आर, टेन इनवर्स एक्स सी बाय आर, ठीक है। यस। अब अगेन इसमें भी देख लेते हैं वी आर एम एस कितना होगा, आई आर एम एस कितना होगा, और पीक वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू होगी वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू जेड रूट टू से डिवाइड कर दो, तो वी आर एम एस हो जाएगा Vrms, Irms into Z, किसी भी इंस्टेंट पर Vt बराबर It into Z कर सकता हूं क्या? नहीं, नहीं, ये नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फेज डिफरेंस है, जब V आपका जीरो है उस समय I जीरो नहीं है, जब I जीरो है तब V जीरो नहीं है। ठीक, तो हमारे पांच सर्किट हो गए, रजिस्टिव हो गया, कैपेसिटिव हो गया, इंडक्टिव हो गया, फिर आरसी एलसी सॉरी आरसी एलआर, अब कौन सा बचा, एलआरसी, एलआरसी, एलसी सर्किट देखा आपने, एलसी नहीं, एलसी देखा भी, तो एलसी भी हो सकता है ना कि नहीं हो सकता, हाँ एलसी बना के देखें, एलसी भी हो जाएगा, एलसी बनाते हैं, एलसी सर्किट बनाते हैं, चलो। तो एलसी सर्किट, एलसी सर्किट में देखो क्या होगा, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, तो मैंने लगा दिया एक इंडक्टर, फिर लगा दिया मैंने एक कैपेसिटर, और इसको जोड़ दिया एसी सर्किट से, यहां पर आई लिखूंगा मैं, मान लो इसी इंस्टेंट पर करंट फ्लो कर रही है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा वी सी, मान ली सॉरी वी एल,
और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा होगा, वी सी मान लिया हमने, करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो वोल्टेज इंडक्टर केस में कौन आगे होता है, वोल्टेज इंडक्टर के केस में वोल्टेज, हाँ कितने से 90 डिग्री। वोल्टेज की इक्वेशन क्या बनेगी, आई नॉट एक्सएल साइन साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई प्लस प्लस पाई बाई टू, हाँ प्लस पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू से वोल्टेज आगे होता है, ठीक है। ये हो गया आपका VL, और VC क्या होगा, I नॉट XC साइन ओमेगा पाई टी ओमेगा टी। अब यहाँ पर माइनस पाई बाई टू आएगा क्या, बात समझ में आ रही है सर? माइनस पाई बाई टू क्यों, क्योंकि कैपेसिटर में करंट आगे है। आपने दोनों की वो इक्वेशन अलग अलग लिखी है, ये ओमेगा टी है तो इसकी इक्वेशन पाई बाई टू पीछे होगी ना इससे, हाँ ठीक आई बात समझ में। तो VL, V बराबर क्या होगा, VL प्लस VC, लेकिन इनका सम कैसे करेंगे, वेक्टर की तरह। तो मान लेते कि ओमेगा टी इस तरफ है, तो आई नॉट एक्सी से पीछे, तो आई नॉट एक्सी इधर आएगा और आई नॉट एक्सएल किधर आएगा, आई नॉट एक्सएल ऊपर आएगा, ठीक। तो नेट वी कितना आ जाएगा, वी नॉट कितना आएगा, वो डिपेंड करेगा कि एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है। yes, अगर आपका एक्सएल बड़ा हुआ तो आई नॉट ऊपर आएगा रिजल्टेंट, क्योंकि अपोजिट में आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी आ जाएगा और ओमेगा टी आपका इस तरफ होगा, ठीक है। यस सर, आई बात समझ में। और अगर आपका वो भी बना लो, अगर आपका एक्सी बड़ा है एक्सएल से तो उल्टा हो जाएगा, ओमेगा टी इस तरफ और नीचे क्या आ जाएगा, दिख रहा है आपको, नीचे आ जाएगा आपका आई नॉट एक्सी माइनस एक्सएल एक्सएल, ठीक है। तो वी नॉट कितना है यहां पर, अब एक्सएल माइनस एक्सी को क्या बोलेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी को क्या बोलेंगे, उसको भी इम्पीडेंस ही बोलेंगे एक तरीके का, वो भी तो इम्पीडेंस ही हुआ, जेड हुआ, कर दो ना बेटा, हाँ या रिएक्टेंस बोलेंगे, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्सी, कोई रूट रूट नहीं लगाना इसमें, सिर्फ जेड बराबर एक्सएल माइनस एक्सी लिखेंगे, ठीक है। V नॉट बराबर कितना होगा, V नॉट बराबर आपका I नॉट इनटू Z होगा, ठीक है ना, I नॉट अगेन रूट टू, रूट टू से डिवाइड कर दो, V RMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, I RMS इनटू Z हो जाएगा, और VT बराबर क्या मैं IT इनटू Z कर सकता हूँ, इस केस में कर सकता हूँ क्या, नहीं। अगर सर अगर XL और XC अगर बराबर हुए तब कर सकते हो, मतलब अगर XL और XC की वैल्यू बराबर, कंडीशन पे डिपेंड, कंडीशन पे डिपेंड करता ना, हाँ किसी भी सर्किट में तो नहीं हो सकता ना, नहीं किसी भी LC सर्किट में नहीं हो सकता, जब XL XC के बराबर होगा तभी हो सकता है ऐसा, हाँ I का फेज और V का फेज सेम आएगा, हाँ ठीक। तो ये हम लोग नहीं कर सकते, आई बात समझ में, yes, कोई डाउट, नो सर, ठीक। और इसके बाद आता है एलसीआर सर्किट, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका एलसीआर सर्किट ही है, एसी में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन्हीं में से आने के चांसेस है, रेजोनेंस वगैरह के, एलसीआर सर्किट तो काफी इम्पोर्टेंट है। उसको पढ़ने से पहले हम लोग एसी में पावर निकालने की सोचते, पावर कैसे निकालते हैं हम लोग एसी में, ठीक है।
एलसीआर सर्किट पहले से पढ़ लिया, पहले पावर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पावर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में पावर कैसे निकालते बेटा? तो एसी सर्किट है तो करंट, मान लो करंट की इक्वेशन है आई बराबर, कोई सा भी सर्किट ले लो, चाहे एल इंडक्टर के ले लो, कैपेसिटर के ले लो, रजिस्टर के ले लो, कोई भी टाइप का सर्किट हो सकता है एसी सर्किट। आई बराबर ले लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी बराबर हमने क्या ले लिया, वी इक्वल टू ले लेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जरूरी नहीं है इसका फेज में हो, तो यहां पर वी का फेज और आई का फेज अलग भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर फाइव लिख देता हूँ। बात समझ में आई? हाँ। ठीक है, जब से प्लस फाइव लिखा है तो ये सिर्फ क्लियरली आपका एलआर सर्किट को डिनोट कर रहा है, माइनस फाइव भी हो सकता है यहाँ पे, जरूरी नहीं हो अगर आपका आरसी सर्किट हो। ठीक, तो पावर कैसे निकालते हैं? पावर हमने पढ़ी थी जब हमने डीसी पढ़ा था, डीसी पावर पढ़ा था, पावर बराबर वी आई, सुना था? हाँ। यहाँ पर भी पावर निकालेंगे हम लोग, लेकिन ये जो पावर होगी वो इंस्टेंटेनियस पावर होगी, उस इंस्टेंट पर करंट कितनी है, इंस्टेंट पर वोल्टेज कितनी है, तो वी आई, वी की इक्वेशन लिखी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई बात समझ में? अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो, हमको इंस्टेंटेनियस पावर नहीं चाहिए, हम लोग जनरली कौन सी पावर सी होती है, हम लोग बात करते हैं कौन सी पावर की, एवरेज पावर की बात करते हैं। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? तो एवरेज फंक्शन निकालना सिखाया था मैंने, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना हो आपको, तो इंटीग्रल एफ टी डी टी बाय इंटीग्रल डी टी करते हैं। ठीक है नागेंद्र, एवरेज फंक्शन निकालने का तरीका। तो मुझे एवरेज पावर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, पी डॉट डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी करूंगा, डी टी। ठीक है, पावर की जगह पावर की वैल्यू पुट कर दो, वी नॉट आई नॉट को साथ लिख लेते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका इंटीग्रल, चूंकि एसी है तो साइकिल जीरो से लेकर टी तक मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एक साइकिल के लिए, और नीचे भी डी टी जीरो से लेके एक फुल साइकिल के लिए। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? करना साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल करेंगे, फिर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का इंटीग्रल करेंगे, ऐसा ही कुछ। साइन का होगा इंटीग्रल कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, आई लेट करूं लगता। चलो इधर देखो, आप लोगों को कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है? हाँ। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है नागेंद्र? कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का बताओ। अभी बताऊंगा कैसे आया। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, और प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी, सुना है कभी ये फॉर्मूला? और कॉस ए माइनस बी में बस प्लस आ जाएगा इधर, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नागेंद्र? हाँ हाँ बेटा। अब देखो, अगर इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा इधर? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और इधर क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी। समझ में आई? और अगर मैं यहां से माइनस हटा दू तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो मुझे देखो, इसको याद रखना, साइन ओमेगा टी इंटू साइन, ये वी नॉट आई नॉट तो बाहर आ जाएगा, मैं इसको बात में वापस इंटीग्रेट करूंगा, मैं भी खाली इस इंटीग्रेशन पर ध्यान दे रहा हूं। मुझे इंटीग्रेशन करना है किसका? इंटीग्रल आई साइन ओमेगा टी इंटू
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का इंटीग्रेशन करना, टी प्लस फाइव। जो टू साइन ए इंटू साइन बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिख सकता हूँ क्या, क्या ये भी उसी रूप में है? लेकिन बस इसमें टू नहीं आ रहा, तो टू लगाने के लिए मैं ऊपर आगे टू लगा दू और वन बाई टू बाहर ले लू, हाँ। तो कर ही सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, टू साइन ए इंटू साइन बी बन गया, टू साइन ए। दीक्षा बेटा आ रहा है क्या? यस सर। इसमें ए किसको ले बी किसको ले, इसको ए ले लेते ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको ए ले लेते इसको बी ले लेते। पहले क्या आ रहा है, पहले प्लस कॉस ए माइनस बी वन बाय टू, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे ट्रिग्नोमेट्री को। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, सॉरी ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी। ये समझ में आया क्या? मैंने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ठीक है, इंटीग्रल डी टी ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसल, ये तो हो जाएगा कॉस फाइव वन बाई टी इंटीग्रल कॉस फाइव, और ये क्या हो जाएगा कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ब्रैकेट बाहर क्या आएगा डी टी। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, वन बाय टू कॉस फाइव तो कांस्टेंट है तो कॉस फाइव बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन होगा डी टी का प्लस इंटीग्रल वन बाय टू बाहर इसके भी कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप लोग, dt का इंटीग्रेशन तो यहाँ पे t आ जाएगा, 1 by t cos phi into t आ जाएगा यहाँ पे, 0 से t तक लिमिट है ना नागेंद्र? हाँ। इसका इंटीग्रेशन t आ जाएगा यहाँ पे। हाँ हाँ। इसका हाँ। इसका इंटीग्रेशन cos 2 omega t का बेटा दीक्षा क्या होगा? So cos 2 omega t का इंटीग्रेशन होगा omega कितना होगा टू ओमेगा टी प्लस फाइव का, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, टू ओमेगा टी का टू ओमेगा होगा बस, और फाइव का टू ओमेगा आगे देखो आप, इसको रब कर रहा हूं मैं ना, तो यहां पर आ गया हमारे पास वन बाय टू टी कॉस फाइव। अब लिमिट रखेंगे हम लोग, ये हो गया वन बाय फोर ओमेगा, कितनी वैल्यू आएगी बताओ? कॉस टू ओमेगा को मैं क्या टू पाई बाय टी लिख सकता हूं इन टू कैपिटल टी आएगा पहले तो प्लस फाइव, हाँ माइनस माइनस लिखेंगे अब, सॉरी साइन आएगा यहाँ पे ना, साइन टू टू पाई बाई टी, सॉरी जीरो आ जाएगा डायरेक्टली, जीरो प्लस फाइव क्योंकि जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो गया, टी से टी कैंसिल, फोर पाई प्लस फाइव, फोर पाई तो दो राउंड कंप्लीट हो गए, हाँ तो फाइव फाइव लिख दें, फाइव होगा तो साइन फाइव माइनस साइन फाइव, क्या ये कट गया? जीरो हो जाएगा, हाँ जीरो हो गया, जीरो वन बाय फोर ओम, ये पूरा जीरो हो गया ना मल्टीप्लाई में ना बेटा, अच्छा हाँ तो ये हाँ। तो पूरा जीरो हो गया वाली टर्म्स, तो आपके पास हाँ। क्या बचेगा? टी कॉस फाइव बाय टू ही बचेगा, समझ गए कैसे आया? हाँ हाँ आगे देखो,
दीक्षा आया समझ में कैसे करना है इंटीग्रेशन? ठीक है, जनरली वहां पर टीचर क्या बोलते हैं कि इसको याद कर लो, लेकिन आपको आना चाहिए तरीका कैसे इसको इंटीग्रेट किया है। ठीक है, आप लोग क्या मैथ्स के पोर्शन में ही वीक रहते हो, आपको मैथ्स में थोड़ा इंटीग्रेशन देखते आप घबरा जाते हो जनरली, तो घबराना नहीं है। ठीक है, मैथ्स थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग कर लो, आपके मार्क्स इजीली बढ़ जाएंगे। चलो आगे देखो, अब तो मैं डायरेक्ट अब वैल्यू लिखूंगा कितनी, p cos 5 by 2। तो मैंने लिखा था p average equal to v not i not, बाहर आई गया था हाँ, अंदर था आपका sin omega t, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बाहर आ गया था, तो वहां पे t लिख ही देंगे हम लोग। ऐसे करो sin omega t sin omega t plus 5 इंटू डी टी, और नीचे आया था साइन सॉरी डी टी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल डी टी, हाँ इंटीग्रल डी टी आया था। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आया मेरे पास, टी कॉस फाइव बाई टू, डायरेक्ट लिख दू वी नॉट आई नॉट टी कॉस फाइव बाई टू, और नीचे डी टी का इंटीग्रेशन टी, टी से टी खत्म। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा v नॉट i नॉट by 2 into cos 5। ये आ गया आपका एवरेज पावर। हाँ, vrms irms cos बनेगा by root 2 by root 2 कर देंगे 2 को, तो root 2 by root 2 कर दो, v नॉट by root 2 i नॉट by root 2 into cos 5। v नॉट by root 2 आपका क्या हो जाता है, VRMS, I not by root 2 आपका IRMS, तो पावर इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी आपकी VRMS, सॉरी इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर, VRMS, IRMS by cos 5। phi क्या है, phi क्या है, phase difference निकालना पड़ेगा ना, cos phi को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, हाँ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्यों 1 होना चाहिए, जितने भी घरों में जो अप्लायंसेस होते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो जनरली जो इसकी वैल्यू होती है पावर फैक्टर की, पावर फैक्टर उसकी 1 रखते हैं हम लोग, यूनिटी यूनिट वैल्यू उसकी वो करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू 1 ही रहे। इसकी वैल्यू क्या होती है, फ्लक्चुएट करती रहती है घरों में, कभी जैसे अभी जैसे सर्दियों गर्मियों के मौसम आ गए, तो गर्मियों में क्या होता है आप लोगों के घरों में क्या होते हैं जितने भी डिवाइस है, पंखे वगैरह कूलर्स वगैरह, तो कूलर और पंखे क्या है, एक तरह के इंडक्टर ही थे उसमें, कॉइल ही तो होती है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज आगे चला जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज आएगा तो फाई आपका फेज डिफरेंस क्या होगा, वी और आई के बीच में वो फाई बाई टू होने की कोशिश करता है, तो हमें चाहिए कि उनके बीच में फेज डिफरेंस ना आए। ये तो क्या होता है, हमारा पावर का लॉस होता है काफी ज्यादा, मतलब जनरली लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन ठीक है वो पावर मेजर नहीं कर पा रहे हम लोग। तो जो सब स्टेशन वगैरह होते हैं, सब स्टेशन देखे आपने जहां से सप्लाई होती है आपकी, सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहां पर कैपेसिटर के बैंक होते हैं। क्या होते हैं वहां पे, कैपेसिटर के बैंक, कैपेसिटर के बैंक, उन कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर को जोड़ा जाता है, क्योंकि कैपेसिटर जोड़ने से क्या होगा, वी आगे जा रहा था आगे से, तो कैपेसिटर क्या करता है, करंट को भी आगे पीछे लेके जाता है, आई करंट एक्सीड, आई आगे होता है ना, हाँ आई आगे होता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर क्या होता है, कैपेसिटर का बैंक लगा जाता है कि जो आपका ये पाई है उसकी वैल्यू क्या आ रहे, 1 रहे, कॉस पाई देखो, अब देखो हमने ट्रायंगल बनाया था, जैसे मान लो इन रेजिस्टेंस तो आपका ओमेगा टी के डायरेक्शन में रहेगा, यस सर, और इस तरफ आपका क्या आएगा, मान लो इस तरफ आपका आया
एक्सेल हो गया या फिर जो भी एक्सी हो गया, तो जो आपका रिजल्टेंट आता है वो इस तरफ आता है, ये जेड इम्पीडेंस होता है। हाँ इस वाले एंगल को बोलते हैं हम लोग कॉस फाई। कॉस फाई देखो, कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा आपका, आर बाई जेड बेस अपॉन हाइपोटेनस। आई बात समझ में? यस सर। जनरली इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वन ही होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। पावर, एवरेज पावर हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं। और वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई लिखूं तो क्या होगा? क्या सर? वी आर एम एस पावर लॉस, पावर लॉस आ जाएगा। तो उस वो पावर नहीं होगी, उसको पावर नहीं बोलूंगा मैं, यूजलेस पावर आएगी पर वो। हाँ वर्चुअल पावर बोलेंगे उसको। ठीक है, उसे एक तो होती है अपेरेंट पावर, ठीक है, अपेरेंट पावर या वर्चुअल पावर। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज का टाइम हम लोग यहाँ यही खत्म होने वाला है। कल हम पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट, फिर उसमें रेजोनेंस वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है नागेंद्र। हाँ मैं तेरे को मैसेज कर दूंगा, शायद मैंने व्हाट्सएप में नहीं किया था ना तेरे को, व्हाट्सएप पे कर।